फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम शिल्पा रावत एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो। ये वीडियो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मैं बहुत बिजी चल रही थी। तो मैं कहाँ बिजी चल रही थी, किन कामों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात वगैरह करूँगी। एंड मतलब मेरे साथ ये बहुत सारी चीज़ें बहुत अनहैपन हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई हैं। मेरे लिए ना जो लास्ट के 4 मंथ्स मीन्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 4 मंथ्स हैं जो मतलब मेरे लिए वाओ वाले हैं। अब मेरे साथ मतलब आप लोग मेरे फेस से समझ रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला था इसके रिलेटेड, माय इंस्टा एंड माय फेसबुक। तो फिर आप वहाँ जाके भी जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है तो उन लोगों ने वहाँ जाके देखा होगा। एंड बाकी जिन्होंने नहीं किया मुझे फॉलो तो अभी जाइए, तुरंत मुझे जाके फॉलो करिए इस लिंक पर। एंड वो मीन्स मेरे जब मैं वहाँ मुझे चंडीगढ़ के ऑर्डर्स आए हुए थे कुछ, और मैं उन्हें फ्रेम करवाने के लिए गई हुई थी। तो फिर तब वहाँ पे अमर उजाला के रिपोर्टर थे ऋषि, तो फिर उन्होंने मतलब मेरी आर्ट देख मुझे न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ लेजेंड और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, बहुत अलग अलग उन पे आई। तो मैं जस्ट मतलब उन्हें देखते ही ना मैं ऐसी शॉक्ड हो गई कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ है मेरे साथ। मीन्स मैं शॉक्ड थी, और उसके बाद जब मुझे समझ में आया तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं आपको वो फीलिंग ही नहीं बता सकती हूँ। आप मेरे फेस से वो चीज़ समझ रहे होंगे। उसके बाद मेरे पास न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए, ईटीवी के आए मेरे पास न्यूज़ रिपोर्टर्स, कुछ यूट्यूब एंड फेसबुक ऑनलाइन जो न्यूज़ होती हैं उनके मेरे पास रिपोर्टर्स आए। तो फिर वो फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरे के सामने मुझे बोलना था, और वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, अच्छे से मुझे समझाया तो बताया कि किस तरीके से क्या करना है सब कुछ। तो फिर थैंक यू सो मच। मैं वो सारी फोटोज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड फिर उसके बाद गेस व्हाट मीन्स मैंने फिर हेमा मालिनी जी का स्केच बनाया, क्योंकि मुझे रिपोर्टर्स की टीवी के जो रिपोर्टर्स आए थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इन। फिर उसके बाद तब मैंने फिर उनका बनाया स्केच, और मैंने फिर तब उनकी ना 2 फोटोग्राफ्स बनाई थी, एक ही फ्रेम में जो मैंने आपके साथ शेयर भी कर रखी हैं, आप मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फिर वो मैंने बनाया, एंड देन मैंने अपॉइंटमेंट लिया उनके सेक्रेटरी से, और उन्होंने फिर बुलाया। वो यहाँ पे आई हुई थी वृंदावन में उस समय। तो वो 20 फैब तक वो यहाँ पे रुकने वाले थे, उनके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे। तो मैं वहाँ पे गई थी, लेकिन मुझे इतना वो नहीं हुआ कि ओ माय गॉड, मतलब मैं न्यूट्रल थी, मतलब वो चीज़ मतलब मैं ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो रही थी, मैं कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रही थी। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ले तो वो जब टूटती है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फिर मैंने इसी वजह से नहीं रखा था, मैं न्यूट्रल थी। लेकिन जैसे ही मैंने मैम को देखा, ओ माय गॉड, शी इज़ गॉर्जियस, रियली मीन्स उन्हें देखते ही ना हाय, वो सीरियसली इतनी सुंदर, और मैं इतनी ज़्यादा मतलब भरोसा ही नहीं कर पाई कि हेमा मालिनी जी मेरे सामने खड़ी हैं और मैं पर्सनली उनसे जाके मिल रही हूँ। 2 मिनट में तो मैं सिर्फ उन्हें देख ही रही सीरियसली। और बाद में फिर मैंने उन्हें अपना स्केच दिया, तो शी अप्रिशिएट्स मी, एंड उनको भी मेरा स्केच काफ़ी पसंद आया, और उन्होंने बहुत सारी बातें वगैरह भी की, मेरे से कहाँ से स्टार्ट किया तुमने, अब यहाँ तक कैसे पहुँची हो, किससे सीखा है तुमने, अब आगे तुम्हारा क्या है प्लान, कि तुम इसमें कैसे और आगे जाना चाहती हो, तो सारी चीज़ें उन्होंने मेरी बातें वगैरह हुई उनके साथ, उन्होंने मेरे से पूछा। तो फिर वो जो था टाइम मीन्स वो अनबिलीवेबल टाइम था, और सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा वाला अच्छा था मेरे लिए, एंड बहुत सब अच्छा होगा। तो फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और आपका प्यार चाहिए। सो
आई होप कि आपको भी खुशी हुई हो कि मेरे साथ जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं. सो एंड आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी YouTube फैमिली से मैं शेयर करना थोड़ा सा लेट हो गई, इसी चीज़ की वजह से मैं लेट थी. और बाकी थैंक यू, मीट यू सून, बाय बाय.